नमस्कार, सभी का स्वागत है। जय श्री राम, श्री हनुमते नमः। प्रश्न है कि रामचरित मानस का पाठ करने से क्या फल मिलता है। मैंने ऊपर संपर्क सूत्र अपना लिख दिया है, किसी जानकारी के लिए संपर्क कर सकते हैं मेरे से। उत्तर है कि सर्वप्रथम रामचरित मानस का पाठ ही करना चाहिए, संगीतमय पाठ नहीं करना चाहिए। इसके लिए मैं आगे आप सबको बताऊंगा संगीतमय पाठ क्यों नहीं करना चाहिए। अगर आपको रामचरितमानस के पाठ से कुछ हासिल करना है, कुछ लेना है, कुछ पाना है, कुछ प्राप्त करना है, तो आपको रामचरितमानस का पाठ ही करना पड़ेगा। जिस तरह से दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है, और दुर्गा सप्तशती के पाठ करने से जो मनोकामनाएँ होती हैं पूर्ण होती है, वैसे ही रामचरितमानस ये पंचम वेद है, तो इसके पाठ से ही सारा कुछ प्राप्त हो जाता है। आइए हम आप सबको बताते हैं कि रामचरितमानस के पाठ करने से क्या फल मिलता है। काव्य कला की दृष्टि मिलती है, सर्वोच्च कोटि का आदर्श मिलता है। इसके साथ साथ साहित्य के सभी रसों का आस्वादन मिलता है, आदर्श राजधर्म मिलता है, आदर्श पारिवारिक जीवन मिलता है, आदर्श गृहस्थ जीवन प्राप्त होता है। यह रामचरितमानस की देन है। आदर्श पतिव्रत धर्म, पति जो पत्नी पतिव्रत धर्म का पालन करती हैं, इस रामचरितमानस के पाठ से मिलता है। आदर्श भ्रातृ यानी भ्राता का जो धर्म होता है, भ्रातृ धर्म मिलता है। सर्वोच्च भक्ति मिलती है, ज्ञान मिलता है, त्याग मिलता है, वैराग्य मिलता है। सदाचार की शिक्षा देने वाले रामचरितमानस स्त्री पुरुष वृद्ध और युवा बालक सबके लिए सगुण साकार भगवान की प्राप्ति होती है। किससे? रामचरितमानस के पाठ से। भगवान हनुमान जी के दर्शन होते हैं, सभी कष्टों से छुटकारा मिलता है। किससे? रामचरितमानस के पाठ से। बाबा तुलसीदास जी ने जो ये रामचरितमानस का पाठ लिखा, वो अपने लिए ही नहीं सभी के लिए लिखा। ध्यान देने वाली बात है कि ये ग्रंथ पंचम वेद कहा गया है, रामचरितमानस को पंचम वेद कहा गया है। इसका सिर्फ पाठ करना और करवाना चाहिए, तभी इसका फल प्राप्त होता है। संगीत के साथ ना करें और ना करवाएं। अगर आपको कुछ प्राप्त करना है तो रामचरितमानस का पाठ स्वयं करें। अगर नहीं करते तो किसी ब्राह्मण पंडित को बुला के अपने घर में अपने लिए किसी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए अगर करा रहे हैं तो उसके लिए आप